ये हमारे मेथी के पत्ते हैं और ये दो बंडल है। इसको हम अच्छे से धोकर और बारीक बारीक काट लेते हैं। ये बिल्कुल ही फ्रेश हैं। अब इसमें हमने दो कटोरी आटा ले लिया है और अपने मेथी को बारीक काट लिया है। दो मीडियम साइज़ का प्याज, एक चम्मच अजवाइन और तीन हरी मिर्च को काट के हमने ले लिया और इन सभी को इसमें हम मिला देंगे। अब इस आटे में हम स्वादानुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल या घी, जो भी आप खाना पसंद करते हैं वो डालेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। पहले एक चम्मच अजवाइन लेंगे, इसको अपने हाथ पे रख के इस तरह से क्रश करके इसमें हम मिला देंगे और मिलाने के बाद ये हमारा कटा हुआ, बारीक कटा हुआ मेथी इसमें हम डाल देंगे। सारा मेथी हम डाल देंगे, ये प्याज, हरी मिर्च सभी को हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और सॉफ्ट डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें हम पानी डालेंगे और इस आटे को हम गूंथेंगे। जितना ज़रूरत होगा एक मुलायम डो बना के हम तैयार कर लेंगे। ये हमारा बिल्कुल भी सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार हो गया है और चलिए इसका अब हम पराठा बेल लेते हैं। पराठा बनाने के लिए ये हम इतनी बड़ी लोई को, एक नींबू से बड़ा थोड़ा लोई को तोड़ेंगे और फिर सूखे आटे में डिप करेंगे और बेलन से हम इसको बेलेंगे। एक पराठा मेरा बेलकर तैयार हो गया है और इसको हम एक थाली पे रखते हैं। इसी तरह हम दूसरा पराठा भी बेल लेंगे। इस तरीके से सूखे आटे में डिप करके और इसको बेलन से बेलेंगे। और इसको भी हम रख लेते हैं और चलिए इस पराठे को हम सेकते हैं। अब हमारा तवा गर्म हो गया है और इस पे हम अपना पराठा डालकर सेक लेते हैं। ये पराठा हमारा एक तरफ से हो गया है और इसको दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेते हैं। ये पराठा हमारा दूसरी तरफ से भी सिक चुका है और इस पे अब हम ऑयल लगा देते हैं। ऑयल या घी, जो भी आपको पसंद है वो अच्छे से इस पे लगा देंगे हम। और इसको दूसरी तरफ से पलट देंगे और इस साइड भी हम लगा देंगे। ये पराठा हमारा अच्छे से सिक गया है और एक साइड और सेक लेते हैं हम। इसको हम निकाल लेते हैं और दूसरे पराठे को भी इसी तरह हम सेक लेते हैं।
गर्मा गर्म हमारे मेथी के पराठे तैयार हैं। खाइए और इसे एंजॉय कीजिए।